प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। लेकिन राजगढ़ की जिस बुजुर्ग महिला के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वह पीएम मोदी से इस कदर प्रभावित हैं कि उन्हें अपना बेटा मानती हैं। वह अपने हिस्से की पूरी जमीन पीएम मोदी को ही देना चाहती हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ के छोटे से गांव हरिपुरा जागीर की रहने वाली 100 साल की मांगी बाई तनवर की। अपने इस छोटे से घर में मांगी बाई ने मोदी की तस्वीर लगा रखी है। उनका कहना है कि वह सुबह उठकर रोज पहले अपने लाल यानी नरेंद्र मोदी का चेहरा देखती हैं, उन्हें रोजाना अपना आशीर्वाद देती हैं। आपको बता दें कि मांगी बाई तनवर के 14 बेटे बेटियां हैं, लेकिन वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना सबसे प्यारा बेटा मानती हैं। और इतना ही नहीं, वह अपनी 25 बीघा जमीन भी उनके नाम करना चाहती हैं। मांगी बाई मोदी सरकार से इस कदर खुश हैं कि उनकी सरकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए भी नहीं थकती हैं। नरेंद्र मोदी को अपना बेटा कहने वाली मांगी बाई कहती हैं कि उनका बेटा गेहूं चावल दे रहा है, फ्री में इलाज करा रहा है, फसल खराब होने पर मुआवजा देता है, जिंदगी गुजारने के लिए विधवा पेंशन दे रहा है, तीर्थ यात्रा करवा रहा है, हमें रहने के लिए घर बनवा कर दे रहा है, वही मेरा बेटा है, मेरा लाल है। मांगी बाई तनवर की बस एक ही ख्वाहिश है कि वह बस एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकें। वह प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें साक्षात आशीर्वाद देना चाहती हैं। हम भी चाहते हैं कि मांगी बाई तनवर की यह ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आशीर्वाद दे सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँच सके और वह मांगी बाई तनवर से खुद मिलने आएँ।